नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो लेके आते हैं, और इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये वीडियो एक थ्रेसर मशीन का है। आप इस मशीन को देख के भी पहचान सकते हैं कि मशीन कौन से मिस्त्री की है। चलो आप नहीं पहचान पा रहे होंगे तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ ये मशीन कौन से मिस्त्री की, तो भागीरथी जी की मशीन है जिसे BM के नाम से भी हम जानते हैं। तो मनोहरपुरा की बनी हुई ये मशीन है, BM जी की मशीन है ये, क्योंकि BM जी की मशीन काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी चर्चित मशीनें हैं, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इस मशीन की जो बेसिक जानकारी है वो बताता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी को शेयर करें। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे मशीन की। तो मशीन को आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम मशीन के टायरों से शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हर बार भी हम टायरों से ही करते हैं, इस बार भी टायरों से ही कर लेते हैं। आप यहाँ पे इसके टायर देख सकते हैं, MRF के टायर है। टायर कितने परसेंट होंगे ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। साथ ही आप लोग यहाँ पे मशीन में देख सकते हैं जो इसके ड्रम की साइज़ है वो भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बनाएंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से तबीयत को ख़राब हुए करीबन 2-3 दिन हो गई, तो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए फिर भी मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्रम की साइज़ है ये आप लोगों को मैं बता दूँ, इस मशीन का जो ड्रम है ये 34 इंची का इस मशीन का ड्रम है। तो ड्रम में आपने देख लिया 34 इंची का इसका ड्रम है। अब मैं आपको इसके गेयर बक्से के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आपको इसका गेयर बक्सा भी नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके गेयर बक्सा 5 जॉइंट का गेयर बक्सा है, ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। 5 जॉइंट में और 5 गियर का ये गियर बक्सा आप लोगों को मिलेगा इस मशीन में। अब मैं आप लोगों को इस मशीन के जो पंखे हैं वो बता देता हूँ। तो डबल पंखे में आपको ये मशीन यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डबल पंखे की मशीन आपको ये मिलेगी, यहाँ पे देख लीजिए। इसके मॉडल के बारे में आप लोगों को बता दूँ तो इसका मॉडल 2019 है। तो 2019 मॉडल, जैसा किसान भाई ने हमें जानकारी दी है उनके हिसाब से इस मशीन का मॉडल 2019 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन में जो एलिवेटर है वो भी लगा हुआ है, यहाँ पे वो सुंड सिस्टम होता है वो भी लगा हुआ है। इसके व्हील की साइज़ किसान भाई ने हमें जानकारी में उपलब्ध नहीं करा पाए वो, तो व्हील की साइज़ आप स्वयं देख लेना, लेकिन लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं लगभग 46 के आसपास इसका व्हील होना चाहिए मेरे आइडिया से। अब आप वहाँ पर जाके भी इसे देख सकते हैं, आपने मशीन को इस साइड से देख लिया। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो पुलिया है तो डबल पुली में आपको ये मशीन मिलेगी। अब मैं आपको इस मशीन को थोड़ा दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन को दूसरी तरफ से। हम पहले इस फंटों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप मशीन के फंटे देख सकते हैं, मशीन के मॉडल के हिसाब से फंटे पुराने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंटे पुराने ज़रूर है लेकिन टूटे फूटे कहीं से है नहीं। आप यहाँ पे हर जगह से देख सकते हैं टेपर में मशीन का गाला है, आप यहाँ पे देख लीजिए टेपर किया हुआ गाला है। साथ ही नीचे फंटा लगा हुआ है जो कचरा पत्रा लगा हुआ है जो कचरा निकालने के काम आता है, जो कचरा नीचे आके गिर जाता है। तो टेपर का गाला है, 5 जॉइंट में, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। वूपर है, यहाँ पे वूपर लगा हुआ है और वूपर के लिए सापट भी लगी हुई है, तो इसका मतलब इससे चने और सरसों आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से सिस्टम दिख रहा है, तो इस सिस्टम का कार्य यह है कि जो कचरा साइड में निकलता है उस कचरे को आप यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हैं तो वो साफ़ होकर वापिस निकल आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सुंड वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, ट्रॉली में अनाज खाली करने के काम में आते हैं। साथ ही इधर वाला टायर भी आप देख सकते हैं, कड़े वाली रिम इसमें लगी हुई है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप चेचस देख सकते हैं, चेचस भी लंबा है इसका, काफ़ी बढ़िया मजबूत टिकाऊ और मजबूत कंडीशन की थ्रेसर ये साफ सुथरी आप लोगों के सामने है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही डिस्क्रिप्शन में किसान भाई का नाम और उनका एड्रेस साथ ही उनके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी मशीन को और दिखा देता हूँ साइड में से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन को पीछे से, तो मशीन के हेड के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दी। तो मशीन का जो हेड है 1214 का, इस मशीन का हेड है, तो 1214 में आपको ये मशीन मिलेगी। तो 1214 के हेड में आपको ये मशीन मिलेगी। मशीन के गंडासी की बात बता दूँ अब आपको, तो इस मशीन में जो गंडासी लगे हुए हैं तो 3 गंडासी पत्ती में आपको ये मशीन मिलेगी। तो 3 गंडासी पत्ती की मशीन आपको ये मिलेगी। अब मैं आपको इसका मॉडल बता ही चुका हूँ, साथ ही अब मैं इसको सामने से और दिखा देता हूँ, फिर आपको इसकी कीमत की जानकारी भी उपलब्ध करा दूँगा। आप यहाँ पर मशीन को सामने से देख सकते हैं,
सकते हैं, हम इसे जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएम का जो लोगो है वो लगा हुआ है, और मैं इसको थोड़ा वो जूम कर लेता हूँ, आप आराम से देख लीजिए, अच्छी तरीके से मशीन को देखिए। ये उसका एलिवेटर के लिए फेल बोल्ट वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस मशीन की जो कीमत है वो बता देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे वापस में जूम कर देता हूँ, वो भी देख लीजिए। इस मशीन का जो मॉडल किसान भाई ने हमें बताया है, उन्होंने बताया 2019 मॉडल ही मशीन है। साथ ही इस मशीन की जो कीमत किसान भाई ने हमें बताई है, वो कीमत उन्होंने बताई है मात्र 1,60,000 रुपये। 1,60,000 में वो इस मशीन को बेच रहे हैं। अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो उनसे संपर्क ज़रूर करें। ये मशीन अभी वर्तमान टाइम में चौमू में है, जहाँ चौमू है जयपुर के पास में, वहाँ ये मशीन अभी है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो अतः आप वहाँ से उनसे संपर्क कर सकते हैं। चौमू के अंदर ये मशीन है। और अब मैं वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जानकारी को शेयर करें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान साथियों।